सब्सक्राइब कीजिए अपोजी इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रेशनल नंबर्स चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज 1C। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1C हाफ पढ़ लिया था, बट इसके हाफ एक्सरसाइजेस बचे हुए थे, तो उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे आज। दिस इज़ द पार्ट 2, ये दूसरा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक आप देख रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स की हिंदी होती है प्रतिलोम, विलोम या उल्टा, अपोजिट, ठीक है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो तरीके के इनवर्स होते हैं। पहले हम एडिटिव इनवर्स को समझेंगे। एडिटिव इनवर्स की कंडीशन में हम किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, देन इसका आंसर आपको मिलेगा -5। मतलब ये कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है। इसी तरह से अगर -5 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो वो 5 हो जाएगा। तो बेटा, यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें यहाँ पर साइन चेंज करना होता है। मीन्स अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है कि 1/3 का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, तो यहाँ पर आंसर लिखा है -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6 इज़ -18, तो इसका +18 आ गया, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 18 राइट कर सकते हैं। ये 6 नंबर देखिए, 6 का 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है -16/-5, तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है बेटा, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं माइनस इन द ब्रेकेट -16/-5 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया -16/5। तो पॉजिटिव इंटीजर था -16/-5, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा तो 16/5 ही आएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव होना ही था, तो -16/5 जो है इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ये 6 का यस क्वेश्चन है। यहाँ पर 0 का एडिटिव इनवर्स बताना था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इट मीन्स 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर साइन वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो 0 का आपका हो जाएगा 0। 0 में ना माइनस लगता है ना ही प्लस लगता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। मेरे सामने बुक रखी हुई है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। टोटल 8 क्वेश्चन हैं इसमें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ, बहुत इजी होते हैं, जैसा कि आपने एडिशन पढ़ा है उसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एडिशन में लिखा हुआ था कि क्वेश्चन के बीच में एंड लगा हुआ होता था, दो रेशनल नंबर्स के बीच में एंड लिखा होता था, बट यहाँ पर आपको फ्रॉम मिलेगा। जैसा आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 फ्रॉम 1/3, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। सो इट मीन्स 1/3 हमें पहले लिखना है, माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद 3/4। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अपोजिट हो जाता है एडिशन के कंपेरिजन में। देखिए बेटा, एडिशन तो हम चाहे फर्स्ट रेशनल नंबर को पहले लिखें या बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम 3 में 4 प्लस करेंगे तब भी जो है 7 मिलेगा, 7 में 3 प्लस करेंगे मतलब सॉरी 3 में अगर हम 4 प्लस करें तो 7 मिलेगा, 4 में 3 प्लस करें तो भी आपको 7 ही मिलेगा। वहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तब भी सेम रिज़ल्ट आता है, बट ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपको 1/3 पहले लिखना होगा, फिर 3/4 लिखना होगा। अगर आप 3/4 पहले लिख करके माइनस का साइन लगा कर 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन में ऐसा किया जा सकता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को, 3/4 फ्रॉम 1/3, सो फर्स्ट वी विल राइट 1/3 -3/4 एंड देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉर्नर में
लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। तो 1/3 माइनस 3/4 और यहाँ पे कुछ एरो लगा करके हमने दिखाया। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 4 × 1 = 4 आ गया। फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 3 × 3 = 9 एंड जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के प्लेस पर हम राइट करेंगे, तो 4 × 3 = 12 हो गया। समझ पा रहे हैं? सो 4 × 1 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12 इन द डिनोमिनेटर। नाउ सबट्रैक्ट इट, 4 − 9 सो दिस वी विल गेट −5/12 सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो ये आपका जो क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, −8/9 फ्रॉम −3/5। तो सबसे पहले आपको −3/5 लिखना होगा, जैसे हमने पहले बताया कि सब्ट्रैक्शन में पहले बाद वाला लिखते हैं। तो −3/5 माइनस −8/9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन यहाँ पर हमने लगा लिया है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेयर एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। एक और तरीका हमारे पास होता है कि एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें, जैसा मैंने एडिशन मेथड में बताया था, बट हम दोनों मेथड समझाना चाहते हैं, एडिशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर एलसीएम लेकर के, दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बट मैंने वहाँ पर एक मेथड बताया, एक मेथड यहाँ पर मैंने बताया, आप कोई भी मेथड लगा करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, −3 × 9 मतलब −3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, −27 आ जाएगा। इसके बाद 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया गया, 5 × 8 = 40 और −- जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। एंड द डिनोमिनेटर 9 × 5 = 45 जो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के प्लेस पर राइट कर देंगे, तो 9 × 5 = 45 आ गया। को जो आंसर मिला हुआ है यहाँ पर 13/45 ये −27 और 40 को सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अभी एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का 6। तो द क्वेश्चन इज −13/9 फ्रॉम 0। सो आप 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे −13/9 को, तो बेटा इसको राइट करना होगा 0 माइनस −13/9। सो माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, सो 13/9 इज योर आंसर। 0 में 13/9 को प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8/7 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ −7 from −4/7। सिमिलरली वही सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी करना है, तो −4/7 को हमने पहले लिखा, इसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया सब्ट्रैक्शन का, देन अगेन −7। −4/7 प्लस ये −- आपका +7 हो गया। और हम ये बिकॉज रेशनल नंबर है तो इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख करके। तो फाइनली आपको मिल गया है −4/7 +7/1। देन अगेन सॉल्व करिए इसको, −4/7 तो यहाँ पर जो है 7 और 1 का एलसीएम ले लिया गया है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड आप लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जैसे आप समझना चाहें, चाहे आप एलसीएम वाली बात समझ लीजिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात समझ लीजिए, दोनों सेम ही है इस कंडीशन में। तो 7 × 1 = 7 हमने डिनोमिनेटर में लिखा, 4 × 1 = 4 एंड 7 × 7 = 49। तो 4 − 4 + 49 यू विल गेट 45 आफ्टर सॉल्विंग दिस, सो योर आंसर इज 45/7। यही आंसर आ रहा है आपके बुक में 45/7, लेकिन कभी अगर इससे ज़्यादा भी सॉल्व करने का को कहा जाए, क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं 45/7 को हमने लिखा 6 whole 3/7। तो डिवाइड करके आप ऐसे इस तरीके से राइट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंज प्रॉपर्टी से जो है ये सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका सम निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4/3 + 3/5 + −2/3 + −11/5। तो सॉल्व करने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स को हम एक साथ रखेंगे, जो सेम डिनोमिनेटर है उनको एक साथ रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर दिख रहे होंगे 3, 5, 3 और 5। सो जो 3 वाले डिनोमिनेटर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं हम, 4/3 + −2/3। इन दोनों के डिनोमिनेटर 3 थे तो मैंने इनको एक साथ रख लिया, +3/5 and −11/5। नाउ इक्वल
4 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार हम इसको डिनोमिनेटर के प्लेस पर लिख लेंगे। इसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस एंड 2 प्लस 3 माइनस 11 अपॉन 5 इक्वल 4 माइनस 2 विल बी 2, 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 11 को सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस 8 मिलेगा अपॉन 5, तो आपको मिल गया 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 8 अपॉन 5। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 10, 8 3 24 एंड 5 3 15, माइनस 14 अपॉन 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको और समझा देंगे, इतना आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ये थर्ड पार्ट है, आपने अभी फर्स्ट पार्ट समझा, फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये 8 का थर्ड है। क्वेश्चन है माइनस 13 अपॉन 20 प्लस 11 अपॉन 14 प्लस माइनस 5 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 10। सॉल्व करने से पहले ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 20 और 10 को एक साथ रखेंगे, डिनोमिनेटर्स जो हैं इसके इजी होंगे सॉल्व करने में, अरेंज कर लेते इसको, 14 और 7 को एक साथ रख लेते हैं क्योंकि 7 2 14 होता है, इक्वल माइनस 13 प्लस 14 अपॉन 20। यहाँ पर हमने 20 को एलसीएम ले लिया, और बिकॉज माइनस 30 वैसे ही राइट करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 20 है ऑलरेडी, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो इसीलिए 7 2 14 हो गया, प्लस 11 माइनस 10 अपॉन 14। इस 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल 1 अपॉन 20, यहाँ पे माइनस 13 प्लस 14 को सॉल्व करने पे आपको 1 अपॉन 20 मिलेगा, 11 माइनस 10 इक्वल 1, सो 1 अपॉन 14 इक्वल 7 प्लस 10 अपॉन 140। माई डियर स्टूडेंट्स, आप एलसीएम निकालेंगे 20 और 14 का तो आपको 140 मिलेगा, और यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 140। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आप फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस 2, इफ वन ऑफ द नंबर इज वन माइनस 14 अपॉन 5 फाइंड द अदर। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो नंबर हैं, दो रेशनल नंबर हैं जिनका सम माइनस 2 है, ठीक है, मतलब दो नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो माइनस 2 आएगा, जैसे 3 और 4 को प्लस करने पर 7 आता है, तो वैसे ही दो नंबर हैं कोई जिनको प्लस करने पर माइनस 2 आता है, और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर दिया हुआ है वो है माइनस 14 अपॉन 5, और अदर नंबर को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो माइनस 14 अपॉन 5 में क्या प्लस करें कि माइनस 2 आ जाए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हमने वो सपोज कर लिया यहाँ पे कि वो जो नंबर है वो x है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द अदर नंबर बी x, देन x प्लस माइनस 14 अपॉन 5 इक्वल माइनस 2, उन दोनों का सम माइनस 2 है, इसलिए x अदर नंबर है एंड माइनस 14 अपॉन 5 फर्स्ट नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करने पर माइनस 2 आ रहा है, ये हमने एक इक्वेशन बना लिया। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1, माइनस 2 को अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं, तो x इक्वल माइनस 2 अपॉन 1, माइनस 14 अपॉन 5 जो था उसका ट्रांसपोजिशन किया और ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो 14 अपॉन 5 ये प्लस में हो गया। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, किसी भी नंबर को या रेशनल नंबर को, इंटीजर को, किसी एक साइड से दूसरी साइड में ले जाना, LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में ले जाना, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। और ट्रांसपोजिशन का रूल कहता है बेटा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो दूसरी साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, अगर कोई प्लस वाला है यानी कि पॉजिटिव है तो सेकंड मतलब अदर साइड में भेजने पर, LHS से RHS या RHS से LHS में भेजने पर वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाले जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड वाले जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे उसी रूल से माइनस 14 अपॉन 5 को RHS में भेजा गया और यहाँ पे प्लस साइन आ गया, माइनस हट गया वहाँ से।
देन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व किया गया, x इक्वल 5 टू ज़ा 10 तो माइनस 10 प्लस 14 वन ज़ा 14 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5 कर दिया गया, तो x इक्वल सॉल्व कर लेंगे 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा, तो हैंस द अदर नंबर इज़ 4 अपॉन 5। तो जो दूसरा नंबर मतलब जो फाइंड आउट करना था वो आपका 4 अपॉन 5 है। इट मीन्स कि अगर आप माइनस 14 अपॉन 5 में 4 अपॉन 5 प्लस करते हैं तो आपको माइनस 2 यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी, आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 5 अपॉन 8 सो एज टू गेट माइनस 3 अपॉन 2। अच्छा क्वेश्चन है, सेम है कि हमें माइनस 5 अपॉन 8 में क्या ऐड करना चाहिए कि माइनस 3 अपॉन 2 मिल जाए। सो लेट द नंबर बी एक्स, मतलब हमने मान लिया कि नंबर जो है वो रिक्वायर्ड नंबर वो एक्स है। सो माइनस 5 अपॉन 8 प्लस एक्स इक्वल माइनस 3 अपॉन 2 एंड सिमिलरली एक्स इक्वल माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8 माइनस 5 अपॉन 8 ट्रांसपोज इन टू द आर एच एस एंड साइन विल बी चेंज हियर, सो माइनस 5 अपॉन 8 विल चेंज इन टू प्लस 5 अपॉन 8। एक्स इक्वल माइनस 24 प्लस 10 अपॉन 16 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड एंड देन सॉल्व इट टू गेट द आंसर माइनस 14 अपॉन 16 एंड देन कैंसल आउट कर लेंगे 2 से 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कई बार सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को, ऑडियो को, और इसके अलावा आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं थोड़ा सा और आप समझ सकते हैं, हो सकता है मैंने बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें समझाई हों तो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 1 सो एज टू गेट 5 अपॉन 7, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसी की तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 यहाँ पे दिया हुआ कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 2 अपॉन 3 टू गेट माइनस 1 अपॉन 6, बेटा आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 7 एक्सरसाइज 1C के जस्ट ऊपर यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 10 पर, तो आप उसको देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, इसलिए हमने इसको नहीं बताया, आप खुद से करिए सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप इसको कर लीजिएगा, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1D हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को, होमवर्क करते रहिए, हम जानते हैं कि ऐसे पढ़ाई थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है आप लोगों को, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मन लगाते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है, हर कठिन परिस्थिति में इंसान आगे बढ़ सकता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आज की आवश्यकता थी क्लास करने की तो आविष्कार हो गया, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे, पहले भी ऑनलाइन पढ़ाते थे लेकिन कभी स्कूल्स ने नहीं स्टार्ट किया था, तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हर कठिन परिस्थिति में इंसान को रहना सीखना चाहिए, कोविड-19 जैसी बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, हमें अपने घरों में रहना चाहिए, कोशिश करिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करिए, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और मास्क पहनिए।